हेलो गाइस, मेरा नाम है अनमोल और आप सबका डिप्टी पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ गया हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा। ये ट्रिकी वीडियो है, हम लोग आज सीखेंगे फाइंड द स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, वो भी कुछ चुटकियों में। तो याद रखना, मैं वो स्क्वायर कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो लास्ट डिजिट जो होगा वो 5 से एंडिंग होगा। याद रखना, जो लास्ट जो डिजिट होगा, चाहे एंडिंग जो डिजिट होगा वो 5 से एंड होगा, उसका ये ट्रिक्स है। इसी पर इस्तेमाल होगा। आप लोग नॉर्मल हर नंबर पर पोट मत करना, ठीक है? जो लास्ट में 5 होगा उस पर ये अप्लाई होगा ये ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं, इतना आसानी से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, पहला क्या है, इसका है 9। ये 5 का स्क्वायर हम क्या करते हैं, 25 लिख दो बस। 5 का स्क्वायर 25, 9, 9 के बाद क्या आता है दोस्तों, 10 आता है। तो 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। तो 9 × 10 कितना होता है, 19। तो यहाँ वो 19 आ गया, ये आपका आंसर है ना। बहुत इजी प्रोसेस, बहुत चुटकियों में, लेकिन याद रखना दोस्तों, लास्ट में 5 होना चाहिए, तभी ये ट्रिक्स आप लोगों को अप्लाई होगा, ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, 5 का स्क्वायर क्या होता है लास्ट का, 5 25। 10 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 11 आता है। 10 × 11 कितना होता है, 10 × 11। मैं आप लोग करके दिखा रहा हूँ, आप लोग चाहें तो इसको आसानी से कर सकते हैं। तो 10 × 11 कितना होता है आप लोगों को, 110। ये आ गया आंसर, 110.25। इतना इजी है ना दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत आसान तरीका है। बस आपको देखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, मैं आप लोग प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। 65 लास्ट डिजिट क्या है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 6 के बाद क्या आता है, 7। 6 × 7 कितना होता है, 42। तो 42 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों? आंसर क्या आएगा, 4225। इजी है ना बहुत दोस्तों, बहुत इजी है। ये लास्ट डिजिट क्या है, 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ये है 12। 12 के बाद दोस्तों क्या आता है, 12 × 13 करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, 156 आएगा। तो यहाँ पर लिख दो 156, 15625 आंसर, ठीक है दोस्तों? ना इजी है बहुत, ये 1 सेकंड का अंदर आप लोग कर सकते हो, ठीक है? 1 सेकंड में ये हो जाएगा। यहाँ क्या है, 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25। इजी है दोस्तों। 36 के बाद क्या आता है, पहले नहीं बाद, 36 के बाद क्या आता है, 37 आता है दोस्तों। तो 36 × 37 करोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 1332। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1332.25। आई होप दोस्तों आपको दिख रहा होगा, बहुत फनी ट्रिक्स है, ठीक है? लास्ट में क्या है, 495 करते हैं दोस्तों। 495 का लास्ट में क्या है, 25, ठीक है? अब 49 के बाद दोस्तों क्या आता है, 15 आता है। लोग पता होना चाहिए, 14 × कर देंगे, 49 × 50 करेंगे कितना आ जाएगा, 49 × 50 करने से 2450 आंसर, 2450.25 इज आंसर। आप लोग चेक भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट जो 5 रहेगा उसका स्क्वायर कर लेना है, जो सामने में जो बचा रहेगा उसको 1 जोड़कर इंटू कर देना है। 49 + 1 जोड़ोगे 50 आ गया, इंटू कर दोगे 49 × 50 कितना होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, 2450.25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, यहीं पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट आता है 75। 75 को कैसे कर सकते हैं, 75, 5 क्या है, 25, और 7 के बाद दोस्तों क्या आता है, 8। तो 7 × 8 कितना होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, 7 × 8 कितना होता है, 56। 5625 इज आंसर, इतना ये दोस्तों। यहाँ क्या है, 35 का 5 जो है इसका स्क्वायर करोगे 25। 3 के बाद दोस्तों क्या आता है, 4 आता है। तो 3 × 4 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 12। तो 1225 आंसर, इजी है दोस्तों, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा दोस्तों, कर लो, बहुत आसान है। यहाँ 135 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 13 × 14 दोस्तों कितना होता है, 13 × 14 कितना होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 182 होता है, 1825 आंसर, ठीक है? 165, 5 कितना होता है दोस्तों, 25, 5 का स्क्वायर 25, 16,
16 के बाद दोस्तों क्या आता है, 17 आता है। तो 16 इंटू 17 करोगे कितना जाएगा, 272। और 272 और 25 आंसर ना आसान है। तो दोस्तों 27225 कुछ नहीं करना है, बस लास्ट डिजिट का जो याद रखना है, सिर्फ लास्ट में 5 हो उसी पे ये ट्रिक्स या अप्लाई होगा। आप लोग हर स्क्वायर पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते, लास्ट में 5 होगा तो इस ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, चाहे जितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। यहाँ क्या है, 5 का स्क्वायर 25, बच गया कितना, 99 इंटू 100 करोगे कितना आता है, क्यों 99 अब प्लस 1 करना है, तो 100 आएगा, फिर 99 इंटू 100 कर दो कितना आ जाएगा, 99 इंटू 100 करोगे तो कितना जाएगा, 990025। ये हो गया आंसर, 985। लास्ट का डिजिट है 5 का स्क्वायर 25, 98 के बाद 99 आता है, 1 प्लस करोगे 99 और 98 प्लस 1 99 आता है, दोनों को इंटू कर दोगे कितना आ जाएगा आप लोगों को दोस्तों, तो ये आएगा 9702। और 25 पहले से है, ये आंसर, ठीक है दोस्तों, उत्तर आ गया। देखिए जितना आसानी से हम लोग कर रहे हैं इसको, बहुत ही आसानी से, बहुत ही ट्रिकी से हम लोग कर रहे हैं। लास्ट में क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 112 बचा, 112 के बाद क्या आता है, 113 आता है, इसको मल्टीप्लाई करना है आप लोग को, मल्टीप्लाई दोस्तों फास्ट कीजिएगा, 1 2 6 5 6 1 2 6 5 6 2 5 आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कितना लास्ट में कितना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25, 127 प्लस 1 का तो कितना आएगा, 128 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो 128 कुछ नहीं करना है, इंटू 128 कर देना है, तो 127 प्लस 128 करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, बहुत ही आसानी से 16256 आएगा, ये आंसर हो जाएगा 1625625 आंसर, कुछ नहीं करना दोस्तों, हो गया दोस्तों। आई होप ये वीडियो आप लोग बहुत पसंद आया होगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोगों का फनी और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए और ट्रिकी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।